अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, लवली सनी डे एंड वॉक इन जर्मन फॉरेस्ट। आपको भी सैर कराते हैं। जर्मनी माशाल्लाह से बहुत रिच है फॉरेस्ट के लिहाज से। इनके हर सिटी के अंदर, छोटे मोटे गांव के अंदर फॉरेस्ट लाजमी होता है। और ये पहाड़ों से निकलता पानी इसके साउंड का अपना ही मजा है, रिलैक्सेशन। जो सब्जा है वो आंखों की ग़िज़ा है और खुशबू जहन की, दिमाग की ग़िज़ा। आपको बहुत रिलैक्स करती है ये चीज़, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। खुदा की कुदरत के करीब, नाइस व्यू, अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये नेचुरल साउंड्स पानी का, ये दुनिया की हर डिप्रेशन की गोली से ज़्यादा मुफीद है आपके ज़हनी सुकून के लिए। अभी आगे चलते हैं, आगे आपको दिखाते हैं पानी कहाँ से आ रहा है। और अभी एक बैक व्यू, ये जी जो रोड है ये सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग ट्रैक है। इस पर कोई जो है प्राइवेट व्हीकल्स आना अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब कोई यहाँ पर वॉक करते हुए किसी को इंजरी हो जाए तो जो यहाँ पर इमरजेंसी व्हीकल्स हैं सिर्फ वो आ सकती हैं। अभी जंगल से थोड़ा सा बाहर निकलते हुए देखें कैसे, पिछला व्यू देखें कैसा एकदम से अंधेरा हुआ हुआ है। और अभी एकदा चेक करें आप अंदर, देखें कैसा। अब जैसे ही थोड़ा सा हम इस फॉरेस्ट से बाहर निकल रहे हैं तो एक अलग ही मंज़र है। जब सूरज की शुआएं शुरू होती हैं, बड़ा दिलफरेब मंज़र है। और जर्मनी आना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग एजेंटों के चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसें। अब जब आप उनके पास जाते हैं सबसे पहले वो आपको डरा देते हैं। एजेंटों की मिसाल इंश्योरेंस कंपनी जैसी है, पहले वो आपको इतना डरा देते हैं कि आप डर जाएँ और फिर वो आपसे पैसे बटोलते हैं। तो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। माशाल्लाह से आप डिग्री होल्डर्स हैं तो आप इंटरनेट के ऊपर साइट्स अवेलेबल हैं, इनकी गवर्नमेंट की साइट्स अवेलेबल हैं। हर मुल्क की एक पॉलिसी होती है, जब उनको वर्कफोर्स चाहिए होती है तो वो अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं, आसान करते हैं, ताकि जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ सकें, इंटरनेशनल वर्कर आ सकें। तो आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो भी आपसे वो रिक्वायरमेंट ही पूरी करवाते हैं, लेकिन वो आपको डरा के, खौफ ज़्यादा करके फिर आपको ऐसे कहते हैं कि हमारे बड़े लिंक के, किसी का कोई लिंक नहीं होता और ये सब झूठ है। और मैं इसको आम जुबान में कहूँ तो बकवास है। ये लोग वॉक करते हुए, इस साथ गाएं। हम आपको ये यूरोपियन ब्रीड भी दिखाते, ये जी यूरोपियन ब्रीड जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, बहुत ज़बरदस्त
हैं ये इनकी दूध की एवरेज, और ये यहीं पर रहती हैं। यहाँ पर ना चोरी चकारी का डर है, ना कोई यहाँ से इनको जो है ना चोरी करता है, और ना ही यहाँ पर किसी जंगली जानवर का इनको ख़तरा है। तो ये 24/7 यहीं पर रहती हैं, और ये इसी तरीके से नेचुरल जो फूड है इनका और जिसमें बहुत ताकत होती है वो खाती हैं, और फ्री है। यहाँ के किसानों को भी बहुत माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने एक नेमत यहाँ से दी हुई है, तो वो जो हैं 2 हफ़्ते बाद 3 हफ़्ते बाद आके इनको देख के और फिर इनकी हेल्थ वगैरह देख के फिर चले जाते हैं। बिल्कुल खामोशी से यहाँ पर परिंदों की आवाज़ों को बंदा एंजॉय करे। मुझे बहुत पसंद है इस तरह की पानी के छोटे छोटे से पहाड़ी पहाड़ से पानी, चश्मे का पानी निकलता, बारिश का पानी सोते बहुत रिलैक्स करते हैं इंसान को। आई टेल यू माई एक्सपीरियंस, आई डिडंट पे सिंगल पेनी टू एनी कंसल्टेंट बिकॉज आई न्यू दैट दे आर जस्ट लूटिंग मनी फ्रॉम इनोसेंट पीपल। एंड लेटर ऑन व्हेन आई अप्लाइड वीज़ा आफ्टर मैरिज, व्हेन आई अप्लाइड वीज़ा फॉर माई वाइफ फैमिली रियूनियन, at that time I'm also didn't give any single penny to anyone, but I have done it. I contact my friends which are already gone through such process. They gave me a bundle of information, so I recommend you the same thing. Germans right now, German economy need workers, so my mission is to encourage my Pakistani people as much they travel to Germany after entry clearance, then later on they are assets for Germany plus also for Pakistan. How? They make money here and send to the Pakistan, send back to the Pakistan as a remittance, which is very essential for Pakistani economy, and help Pakistan and Pakistani people, inshallah. German economy is very huge, and as a couple of past decades the birth rate is very low. As a result, the old people's averages is very high, else young people, so that they open their doors now for foreigner people to fulfill the conditions and requirement for different categories and applied through the embassy. So now it's very easy to get admission in German universities. Plus, those people, they are already have a degree in Pakistan on around the world in such professions like nursing, informatics, plus mechanical or electrical engineering, mechatronics. They have really, really, really good chance in Germany. But you have to do that to ensure your German language, which is not very hard. Just take admission in German language, give time as I did, and by the passage of times, you will understand slowly. It's now time of internet, you have a lot of Germans, English to Germans, Urdu to Germans, canals. From them you can learn the basic things and plus take admission. And I recommend, please don't use any illegal way to get entry in Germany. That makes really trouble when you came here. And you cannot be able to go German language schools, plus you don't have a right to work in Germany. So please do it in a right way, which is very easy. Plus when you came here, it will more easier for you to get benefit from German rules. In the end of the video,
आई वॉन्ट टू गिव यू मैसेज इन जर्मन लैंग्वेज. वेन आई केम हेयर माई इंग्लिश वॉज वेरी फ्लुएंट एंड रियली गुड, बट एज लॉन्ग एज आई एम लिविंग इन जर्मनी एंड वर्किंग विद जर्मन पीपल, सो इम्प्रूविंग माई जर्मन लैंग्वेज एंड आई एम या इट्स वेरी नॉर्मल हेयर फॉरगेटिंग माई इंग्लिश कमांड एंड इंग्लिश इज़ नॉट नेसेसरी फॉर मी राइट नाउ. जर्मन rules to learn German rules, also to learn German language is my first priority. And here women are also very safe, as you see that it's a thick forest, but if single women are coming here to enjoying weather, there is no problem because the German police are very nice, German law system is very nice, health system are very nice, and which thing is very excellent here. The rules and regulations for every people are same here. Regarding any colors or religion, no way. I love Germany. Bitte pakistanische Leute, bitte kommen Sie nach Deutschland. Nicht nur für euch, auch für pakistanische Land. Bitte kommt her, die verdient. Die Lohnzahlung in Germany ist richtig gut. Wenn wir vergleichen mit anderen Ländern, beispielsweise England und Kanada oder Switzerland, Schweden, sie haben eine gute Chance in Deutschland arbeiten und nach der Lohnzahlung, sie können vor euch her eine gute Wohnung finden, als auch Geld nach Pakistan senden. Inshallah.